एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से वो अखबार नहीं पढ़ता था, ऊंचा सुनने की वजह से रेडियो नहीं सुनता था और आंखें कमजोर होने की वजह से उसने कभी टेलीविजन भी नहीं देखा था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू कर दिया, साथ ही पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा ले लिया। उसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। तभी हाल ही में कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल कर चुका है। उसका बेटा पिता का हाथ बंटाने के लिए चला आया। उसके बाद एक अजीबोगरीब घटना घटी। बेटे ने उस आदमी से पूछा, पिताजी क्या आपको मालूम है हम लोग एक बड़ी मंदी का शिकार होने वाले हैं? उस आदमी ने सोचा कि उसका बेटा कॉलेज जा चुका है, अखबार पढ़ता है, रेडियो सुनता है, इसलिए उसकी राय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन से ही उसने आलू की खरीद कम कर दी। उसका जोश खत्म हो गया और उसकी बिक्री तेजी से गिरने लगी। पिता ने बेटे से कहा, तुम सही कह रहे थे, हम लोग मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे खुशी है तुमने वक्त से पहले हमें सचेत कर दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि कभी कभी हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि उसमें छुपे मनोबल और नकारात्मक को वास्तविकता मान लेते हैं।